गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन पॉइंट्स एंड लाइंस। कल हमने डिस्कस किया था बेटा पॉइंट्स, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। आज हम स्टार्ट करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन पॉइंट्स एंड लाइंस। पॉइंट पॉइंट क्या होता था, ये हमने कोई भी डॉट को ड्रॉ किया, डॉट ही क्या होता है पॉइंट, हमने इसको नाम दिया ए। ये क्या है पॉइंट। वी कैन ड्रॉ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू पॉइंट ए। हम सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स को ड्रॉ कर सकते हैं। एक सिंगल पॉइंट से हम कितनी लाइन्स को ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स को। और जो लाइन्स पॉइंट से पास होंगी उन लाइन्स को हम कौन सी लाइन्स बोलेंगे, कनकरंट लाइन्स। कौन सी लाइन्स होंगी ये, कनकरंट लाइन्स। नेक्स्ट क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स। इफ थ्री और मोर पॉइंट्स लाई इन ए स्ट्रेट लाइन द पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट कहाँ लाई करे, स्ट्रेट लाइन में। ये क्या है स्ट्रेट लाइन, तीन या तीन से ज्यादा, 1 2 3 नेम दिया हमने ए बी सी। तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट स्ट्रेट लाइन के अंदर लाई करे हम उनको क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। क्या है ये, कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मीन्स थ्री पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन के अंदर लाई नहीं करें, थ्री पॉइंट्स नॉट लाइंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, उनको क्या बोलेंगे हम, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मीन्स पॉइंट का हम वन पॉइंट का हम पॉइंट कहीं भी ले लेंगे, ये ए पॉइंट बी पॉइंट एंड सी पॉइंट, इनको हम ज्वाइन करेंगे। ये क्या है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन के अंदर लाई नहीं कर रहे। नेक्स्ट क्या है प्लेन। प्लेन इज ए फ्लैट सरफेस। प्लेन क्या है, फ्लैट सरफेस है। सपोज ये क्या है, एक पेज है। पेज क्या है, ये फ्लैट है। ये क्या है टेबल। टेबल क्या है, ये फ्लैट है। ये भी प्लेन किस पे होता है, फ्लैट सरफेस पर। इट एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन ऑल डायरेक्शंस। हम प्लेन को ऑल डायरेक्शंस के अंदर एक्सटेंड कर सकते हैं। प्लेन कैसा होगा, ये क्या लिया हमने पैरेललोग्राम। ये सभी डायरेक्शंस के अंदर क्या करेगा, एक्सटेंड। प्लेन सभी डायरेक्शंस के अंदर क्या करेगा, एक्सटेंड। ए प्लेन इज ए कलेक्शन ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। प्लेन के अंदर किसकी कलेक्शन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। ये क्या है पॉइंट। पॉइंट के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स की कलेक्शन है। ए प्लेन कंटेन्स एन इन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन्स। प्लेन क्या कंटेन कर रहा है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन्स। ये क्या है लाइन, ये क्या है रे, लाइन सेगमेंट। सभी को क्या कर रहा है ये, कंटेन। प्लेन क्या है, एक फ्लैट सरफेस है और ऑल डायरेक्शंस में क्या कर रहा है ये, एक्सटेंड। नेक्स्ट क्या है, एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमारा ई पार्ट रहता था प्लेन जेड। अब ये क्या है प्लेन। प्लेन के अंदर क्या कंटेन कर रहे हैं, किसकी कलेक्शन है, इनफाइनाइट नंबर्स की। अब इसके अंदर एक पॉइंट क्या है, जेड पॉइंट भी है। यहाँ क्या राइट कर देंगे हम, जेड। ये क्या बनेगा अब, जेड प्लेन। सेकंड क्वेश्चन भी होगा था हमारा, लास्ट पार्ट रहता था, ये क्या है एम। हम इसको क्या नेम देंगे, प्लेन एम। क्या राइट करेंगे हम, प्लेन एम। इसके अंदर क्या है, एम पॉइंट्स। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर थ्री, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट एक्स वाई। हमें एक लाइन सेगमेंट एक्स वाई ड्रॉ करना है। देन ड्रॉ टू मोर लाइन सेगमेंट्स दैट हैव वाई एज एन एंड पॉइंट्स। फिर हमें टू और लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करने हैं, एंड पॉइंट क्या होना चाहिए, वाई। लाइन सेगमेंट की क्या नोटेशन होती थी, बार। हमें क्या ड्रॉ करना है, एक्स वाई लाइन सेगमेंट। कैसे, दोनों क्या होते हैं लाइन सेगमेंट के अंदर, एंड पॉइंट होते हैं। ये हमने लिया एक्स और ये लिया वाई, दोनों एंड पॉइंट हैं। एंडलेस पॉइंट कौन से होते हैं, जहां पर हम एरो का यूज करते हैं, लाइन सेगमेंट एंड पॉइंट। एक्स वाई ड्रॉ किया, फिर हमें करना टू मोर लाइन सेगमेंट्स और ड्रॉ करनी है, वाई क्या हो, एंड पॉइंट। अब हम यहां पर टू पॉइंट और राइट करेंगे। हमने यहां पे लिया पी और क्यू। ये पी क्यू क्या है, एक लाइन सेगमेंट क्या हो गई, पी वाई। वाई क्या आ गया, एंड पॉइंट। और एक क्या आ गई,
क्यू वाई, वाई क्या आ गया यहां पर भी एंड पॉइंट, एक तो पी से लेकर वाई तक और सेकंड क्यू से लेकर वाई तक। हम इसको सेपरेट भी राइट कर सकते हैं, फर्स्ट तो हमने क्या लिया था एक्स वाई, ये क्या है एक्स वाई लाइन सेगमेंट, फिर हमने डो किया सेकंड पी वाई, पी वाई ये क्या होगा पी वाई लाइन सेगमेंट, फिर हमने लिया क्यू वाई, ये क्या क्यू और ये वाई, क्यू वाई लाइन सेगमेंट, वाई क्या होना चाहिए एंड पॉइंट, ये हमने क्या ड्रॉ किया लाइन सेगमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर इज ड्रॉ द फॉलोइंग थ्री कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट कहां ड्रॉ करते हैं हम स्ट्रेट लाइन के अंदर, वन टू थ्री पी क्यू आर, अब जो पॉइंट है पी क्यू आर आर कोलिनियर पॉइंट्स, क्योंकि किसमें लाई कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अभी हमने किया था जो स्ट्रेट लाइन के अंदर लाई नहीं करते हैं उनको क्या बोलेंगे हम कोलिनियर पॉइंट। नेक्स्ट क्या है नेम द डिफरेंट रेज कंटेंड इन द लाइन गिवन हेयर, अब हमें डिफरेंट रेज को के नेम को राइट करना है, जो हमें ये स्ट्रेट लाइन मिली हुई है इसके अंदर क्या है ए बी सी थ्री पॉइंट्स हैं, अब हमें डिफरेंट रेज को राइट करना है, क्या दिया हुआ हमें स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पर कितने पॉइंट्स है थ्री पॉइंट्स ए बी एंड देन सी, रेज क्या होती है वन साइड तो क्या होता है वन पॉइंट तो क्या होता है एंड पॉइंट, एंड अदर पॉइंट क्या होता है एरो वाला एरो हेड जिसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, अब एक साइड तो हमारे पास एरो हेड होना चाहिए और दूसरी साइड क्या होना चाहिए एंड पॉइंट, फर्स्ट क्या लेंगे हम ए से सी तक, ए सी क्या लगा देंगे हम इस पर वन साइड एरो और सेकंड क्या होगा बी सी, बी सी पहले हम किसको राइट करते हैं जो हमारा एंड पॉइंट है उसको राइट करते हैं, देन हम जो एरो वाला पॉइंट है उसको राइट करते हैं हम ए सी, ए सी एंड बी सी रे। नेक्स्ट क्या है ड्रॉ लाइन्स ए बी लाइन सी डी एंड लाइन ई एफ सो दैट लाइन सी डी इज परपेंडिकुलर टू बोथ द रिमेनिंग लाइन्स, अब यहां पर क्या आ गया परपेंडिकुलर, हमने परपेंडिकुलर अभी तक नहीं रीड किया है, परपेंडिकुलर क्या होता है टू लाइन्स, परपेंडिकुलर क्या होता है टू लाइन्स दैट इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट किया और वो किसकी फॉर्म में आई राइट एंगल, क्या बनाई वो राइट एंगल मींस 90 डिग्री का एंगल, अब ये क्या कर रही है दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करें यहां भी कितने एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, इधर भी 90 डिग्री का, यहां भी 90 डिग्री का 90 डिग्री का, तो जो हमने नेम दिया ए बी सी डी, ए बी इज परपेंडिकुलर टू लाइन सी डी और इंटरसेक्ट कहां करे ये पॉइंट, हम इसको पॉइंट का नाम देंगे ए, परपेंडिकुलर को हम किससे शो करते हैं परपेंडिकुलर के लिए हम किस सिंबल का यूज करते हैं ऐसे सिंबल का हम परपेंडिकुलर का यूज करते हैं, इट मींस अब ये क्या होगा ए बी परपेंडिकुलर है सी डी पर, मींस एंगल कहां कितना बनना चाहिए 90 डिग्री, अब हमें करना क्या है लाइन्स ड्रॉ करनी है, सी डी क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर, पहले लाइन हम ए बी ड्रॉ करेंगे, लाइन ए बी को ड्रॉ करेंगे पॉइंट ए पी, लाइन क्या होती है एंडलेस होती है, एक लाइन हमने ए बी ड्रॉ की और एक लाइन हम ई एफ ड्रॉ करेंगे, ई एफ ड्रॉ करेंगे और सी डी क्या होना चाहिए बोथ जो रिमेनिंग लाइन, रिमेनिंग लाइन कौन सी है ए बी एंड सी एफ दोनों पर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के लिए क्या होना चाहिए 90 डिग्री का एंगल, ये हमने लाइन सी डी को ड्रॉ किया, लाइन कौन सी है ये सी डी, अब यहां पर कौन सा एंगल है एक पॉइंट ये लिया और एक पॉइंट ये लिया, यहां पर कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री, यहां पर भी कितना एंगल 90 डिग्री, यहां पर भी 90 डिग्री, ये हमने क्या ड्रॉ की परपेंडिकुलर लाइंस। नेक्स्ट क्या है एंगल टू रेज विद ए कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल, ये क्या ली टू रे, टू रेज पॉइंट ए, रेज ऐसे होती है पॉइंट बी, ओ लिया हमने वर्टेक्स, टू रेज
विद ए कॉमन एंड पॉइंट। पॉइंट ओ क्या है दोनों में कॉमन, रेज क्या है ओ ए एंड ओ बी, पॉइंट ओ क्या है दोनों में कॉमन, कॉमन एंड पॉइंट, इसको हम क्या बोलेंगे एंगल। पॉइंट ओ इज द कॉमन एंड पॉइंट ऑफ रेज ओ ए एंड ओ बी। ये ओ पॉइंट ये क्या है कॉमन पॉइंट है, रे ओ ए एंड रे ओ बी आर द साइड्स ऑफ द एंगल। ओ ए और ओ बी क्या है, रे ओ ए एंड ओ बी दोनों क्या है साइड्स ऑफ एंगल, एंगल की साइड्स हैं। ओ तो क्या होगा दोनों में कॉमन, ओ ए एंड ओ बी दोनों ये क्या है एंगल की साइड्स। एंगल के लिए हम किस सिंबल का यूज करेंगे ऐसे, ये क्या है एंगल का सिंबल। नेक्स्ट इज नेमिंग एन एंगल, एंगल को नेम कैसे देंगे हम, हमने ये थ्री डिफरेंट के एंगल्स लिए, ये क्या है एंगल ए बी सी, बी क्या है दोनों के अंदर कॉमन वर्टेक्स, यहां भी क्या है बी कॉमन वर्टेक्स। डिफरेंट वे से हम नेमिंग करेंगे, फर्स्ट बी, बी क्या है कॉमन वर्टेक्स है, जो मिडल लेटर है उसको हम, जो वर्टेक्स है उसको हम ऑलवेज कहां पर राइट करेंगे मिडल में। अब इसको कैसे नेमिंग देंगे, एंगल सिंबल का यूज करेंगे हम, ए बी सी जो कॉमन वर्टेक्स है उसको हम मिडल में यूज करेंगे। हम सेकेंड एंगल के अंदर ओनली वर्टेक्स से भी एंगल का नेम राइट कर सकते हैं, यहाँ एंगल बी है ओनली वर्टेक्स का नेम राइट किया हमने एंगल बी, यहाँ पे क्या है न्यूमरल में भी राइट कर सकते हैं, वन एंगल वन एंगल टू ऐसे हम राइट कर सकते हैं। अगर सपोज यहाँ पर सी होता तो क्या होता एंगल सी, यहाँ पर थ्री होता एंगल थ्री। फर्स्ट हम क्या करेंगे जो वर्टेक्स है वर्टेक्स को मिडल में राइट करेंगे, सेकेंड हम जो वर्टेक्स है ओनली वर्टेक्स से भी एंगल की नेमिंग राइट कर सकते हैं, न्यूमरल में भी एंगल की, एंगल की नेमिंग को राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने ये फिगर लिया, अब इस फिगर के अंदर मोर एंगल्स हैं, कितने एंगल्स हैं, एंगल को फाइंड करेंगे हम। पहले तो क्या जो वर्टेक्स ओ है उसको हम मिडल में राइट करेंगे एंगल पी ओ क्यू, एक एंगल ये आ गया, सेकेंड एंगल क्या आ गया एंगल क्यू ओ आर, एंड थर्ड एंगल क्या आएगा एंगल पी ओ आर। कैसे राइट करेंगे हम एंगल पी ओ आर, ओ क्या कहाँ गया मिडल में आ गया सेकेंड क्यू ओ आर, क्यू ओ आर, एंड देन थर्ड इज पी ओ आर एंगल पी ओ आर। कितने एंगल्स हैं इसके अंदर, थ्री एंगल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, ये हमने एंगल या एंगल कौन सा है एंगल ए सी बी। अब हमने पॉइंट्स को ड्रॉ किया एक्स वाई और बाहर पी क्यू एंड आर, एंगल्स के कितने पार्ट्स हैं टू पार्ट्स इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, इंटीरियर जो अंदर वाला पार्ट है एक्सटीरियर जो बाहर वाला पार्ट है। द पॉइंट लाइंग इनसाइड द एंगल फॉर्म द इंटीरियर ऑफ द एंगल, जो पॉइंट्स एंगल के इनसाइड में लाई करेंगे उनको हम कौन से पॉइंट बोलेंगे इंटीरियर पॉइंट, और जो पॉइंट एंगल के आउटसाइड में लाई करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे एक्सटीरियर पॉइंट। अब इंटीरियर पॉइंट कौन से, जो एंगल के इनसाइड में लाई कर रहे हैं, इनसाइड में लाई कौन कर रहे हैं एक्स एंड वाई, पॉइंट एक्स एंड वाई, और एक्सटीरियर पॉइंट पी क्यू आर, पी क्यू आर। नेक्स्ट क्या है एक्सरसाइज 7.2, नेम द एंगल्स गिवन बिलो। अब हमें एंगल्स के नेम राइट करने हैं, फर्स्ट क्या है बी क्या है दोनों में कॉमन, ए बी एंड बी सी क्या है ये एंगल की साइड्स, बी कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स को हम मिडल में राइट करेंगे, क्या राइट करेंगे एंगल ए बी सी, क्या हो जाएगा ये एंगल ए बी सी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा एंगल एक्स वाई जेड एंड देन एंगल ए सी बी। नेक्स्ट क्या आ जाएगा एंगल क्यू आर पी, एंगल पी क्यू आर एंड देन एंगल ए बी सी।
क्वेश्चन नंबर टू क्या है, नेम ऑल द एंगल्स इन द गिवन फिगर. अब हमें सभी एंगल्स के नेम राइट करने हैं. ये क्या है, साइड ओ ए, साइड ओ बी एंड साइड ओ सी. और ओ क्या है, कॉमन वर्टेक्स है. फर्स्ट एंगल क्या होगा, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी. एंड देन क्या होगा, एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी. और थर्ड क्या होगा, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी. अब बी ओ सी एंगल इसके अंदर कौन सा पार्ट आएगा, ये ए ओ सी है. ये कंप्लीट हमने क्या लिया, एंगल ए ओ सी मीन्स ये कंप्लीट. नेक्स्ट के अंदर क्या है, फर्स्ट एंगल क्या होगा, एंगल एल एक्स एम मीन्स ये वाला पार्ट, एंगल एल एक्स एम. नेक्स्ट क्या आएगा, एंगल एन एक्स एल, ये वाला एंगल एन एक्स एल. और फिर थर्ड में क्या आ जाएगा, ये कंप्लीट. कंप्लीट क्या होगा, एंगल एन एक्स एम, एन एक्स एम. जो कॉमन है उसको हम मिडल में देंगे, बस हमें ये ध्यान रखना है. थर्ड क्वेश्चन क्या है, नेम द एंगल यूजिंग ए बी एंड सी इन फोर वेज एंड आइडेंटिफाई इट वर्टेक्स एंड साइड्स इन ईच केस. अब हमें ए बी सी पॉइंट्स को यूज करना है और वर्टेक्स साइड्स को फाइंड करना है. फर्स्ट हमने क्या राइट किया, बी को वर्टेक्स, एंगल बी ए बी सी, एंगल ए बी सी वेयर बी इज द वर्टेक्स. बी क्या होगा यहाँ पर, वर्टेक्स. ए बी एंड बी सी क्या होंगी, टू साइड्स. देन हमने ए को क्या लिया, वर्टेक्स. एंगल क्या होगा, एंगल बी ए सी वेयर ए इज द वर्टेक्स एंड बी ए एंड ए सी आर टू साइड्स. देन हमने सी को वर्टेक्स लिया, कॉमन लिया, बी सी एंड सी ए आर टू साइड्स एंड सी इज द वर्टेक्स. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, आइडेंटिफाई द पॉइंट्स. पॉइंट्स को अब आइडेंटिफाई करना, हम आउटसाइड द एंगल पी क्यू आर. आउटसाइड पर क्या होता है, एक्सटीरियर, और इनसाइड में क्या होते हैं, इंटीरियर. आउटसाइड मीन्स एक्सटीरियर. अब एक्सटीरियर पर, एक्सटीरियर पॉइंट्स कौन से हो गए हमारे, एक्सटीरियर पॉइंट्स कौन से हो गए, जो बाहर हैं, सी डी ई, सी डी ई. और इंटीरियर पॉइंट जो अंदर है, ए बी. ए बी कहाँ हो गए, इंटीरियर. और सी डी ई कहाँ हो गए, एक्सटीरियर. नेक्स्ट क्या है, राइट द नेम ऑफ द एंगल वर्टेक्स एंड साइड्स. अब हमें एंगल का नेम राइट करना है, वर्टेक्स और साइड. एंगल कौन सा होगा यहाँ पर, एंगल एम ओ एन, वर्टेक्स ओ एंड साइड्स एम ओ एंड ओ एन. नेक्स्ट के अंदर क्या होगा, एंगल कौन सा होगा, ये एक्स वाई जेड. वाई इज द वर्टेक्स एंड एक्स वाई एंड वाई जेड आर द टू साइड्स. नेक्स्ट के अंदर क्या होगा, एंगल एल एम एन. एम इज द वर्टेक्स एंड लाइन एल एम एंड एम एन आर टू साइड्स. सो बेटा एक्सरसाइज 7.2 क्या हो गई आपकी, कंप्लीट. एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 को आपको फिर नोटबुक के अंदर राइट करना है. नेक्स्ट हम कल करेंगे.